हाय गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। दोस्तों, फरवरी का महीना स्मार्टफोन के लिए बहुत ही ज़्यादा बिजी रहा है। ढेरों सारे स्मार्टफोन लॉन्चेस देखने को मिला, लेकिन ज़्यादातर फ्लेक्सिबल स्मार्टफोन लॉन्च हुए। तो मार्च के महीने में भी काफ़ी सारे स्मार्टफोन लॉन्चेस होने वाले हैं, लेकिन ज़्यादातर मिड रेंज कैटेगरी के स्मार्टफोन लॉन्च होंगे। हाँ, कुछ फ्लेक्सिबल टाइप के स्मार्टफोन भी होंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम 15 से भी ज़्यादा स्मार्टफोन के बारे में बात करने वाले हैं जो कि मार्च के महीने में लॉन्च होते हुए दिखने वाला है इंडिया के अंदर। 15 में से कुछ ऐसे स्मार्टफोन हैं जिनके कंफर्म लॉन्च डेट भी बाहर आ गया है, वहीं कुछ स्मार्टफोन के लॉन्च डेट एक्सपेक्टेड है अभी। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि मार्च के महीने में कौन कौन से स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ब्रांड वाइज जानेंगे कि किस ब्रांड के कितने स्मार्टफोन लॉन्च होंगे मार्च के महीने में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल Xiaomi से शुरुआत करते हैं। तो Xiaomi की तरफ से Xiaomi 13 Pro आज ही लॉन्च होने वाला है 26 फेब को, और ये Xiaomi की तरफ से अल्टीमेट बेस्ट फ्लेक्सिबल स्मार्टफोन होगा इंडिया के अंदर। इस फोन में हमें Snapdragon 8 Gen 2 वाला 5G चिपसेट मिलने वाला है, और साथ में ही कैमरा सेटअप भी बहुत ही तगड़ा होने वाला है। प्रोबेबली इस फोन के अंदर 1 इंच वाला कैमरा सेंसर होगा। 2K कर्व LTPO AMOLED डिस्प्ले भी होने वाला है। प्राइसिंग वही 60,000 के आसपास देखने को मिल सकती है आपको। और वैसे ये फोन आज लॉन्च हो ही जाएगा, तो आपको एग्जैक्टली क्या कुछ होने वाला है पता चल ही जाएगा। Xiaomi का एक और स्मार्टफोन लॉन्च हो सकता है मार्च के महीने में। जी हाँ, Xiaomi 13 Lite। अब इस फोन के बारे में पूरा कंफर्मेशन तो नहीं है, 50-50 चांस है, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। वैसे कुछ फीचर्स के बारे में बात करें तो Snapdragon 7 Gen 1 वाला चिपसेट होने वाला है, 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा होगा, और 6.55 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले होगा जो कि 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आएगा। प्राइसिंग अराउंड 30,000 से शुरू होने वाली है, और हो सकता है मार्च के एंड तक ये फोन आपको देखने को मिले इंडिया के अंदर। और वीवो के बारे में बात करें तो वीवो अपना V20 सीरीज को लॉन्च करने जा रहा है 1 मार्च को। अब सीरीज होने वाला है तो एक से ज्यादा स्मार्टफोन जरूर होगा, बट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1 मार्च को केवल V27 Pro ही लॉन्च होगा, बाकी के स्मार्टफोन आगे जाकर लॉन्च होंगे। और वी सीरीज का स्मार्टफोन होगा तो कैमरा सेटअप काफी अच्छा होने वाला है, और साथ में ही कलर चेंजिंग डिजाइन भी होगा। 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा होने वाला है, 120Hz वाला कर्व एमोलेड डिस्प्ले भी होगा। प्राइसिंग 40,000 के आसपास बताया जा रहा है। लेट्स सी, देखते हैं 1 मार्च को क्या कुछ होता है। ओप्पो के बारे में बात करें तो ओप्पो की तरफ से भी कुछ स्मार्टफोन लॉन्चेस हमें देखने को मिलने वाला है, जिसमें से पहला होगा ओप्पो फाइंड N2 फ्लिप, जो कि सैमसंग के फ्लिप स्मार्टफोन से कम्पीट करेगा। इस फोन में हमें 50 मेगापिक्सल का ड्यूल रियर कैमरा देखने को मिलेगा, और MediaTek Dimensity 9000 प्लस वाला 5G चिपसेट होगा जो कि बहुत ही पावरफुल चिपसेट है। 6.8 इंचेस की फुल HD प्लस इनर डिस्प्ले होने वाला है, और 4300 mAh की बैटरी होगी अलॉन्ग विद 44W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट। प्राइसिंग आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 75,000 के आसपास। और 6 मार्च को ये फोन लॉन्च हो रहा है इंडिया के अंदर। ओप्पो रेनो 10 सीरीज के बारे में अभी कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं आया है। IQ के बारे में बात करें तो IQ के तरफ से G सीरीज में एक न्यू स्मार्टफोन लॉन्च होते हुए दिखने वाला है हमें, और इसका टीजर ऑलरेडी बाहर आ गया है। और फर्स्ट टाइम IQ G सीरीज में कैमरे के अंदर OIS का सपोर्ट होगा। वैसे 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा होगा, 120Hz वाला AMOLED पैनल होने वाला है, और 5000 mAh की बैटरी होगी, और 66W तक की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया जाएगा, और Snapdragon 778G वाला प्लस चिपसेट होगा। प्राइसिंग 25,000 के आसपास रहेगा। मार्च के मिड तक ये फोन लॉन्च हो जाएगा। मोटो के बारे में बात करें तो मोटोरोला की तरफ से मोटो G73 5G लॉन्च होने वाला है। इसके फीचर्स और रेंडर्स वगैरह ऑलरेडी बाहर आ गया है। इस फोन में हमें Snapdragon 695 वाला 5G चिपसेट मिलेगा, 5000 mAh की बैटरी और 33W तक की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट होगा। और रिपोर्ट्स के अनुसार इस फोन में हमें 120Hz वाला IPS डिस्प्ले मिलेगा, और 50 मेगापिक्सल का ड्यूल रियर कैमरा होगा। प्राइसिंग 20,000 के आसपास होगा। Realme के बारे में बात करें तो Realme GT Neo 5 28 फरवरी को लॉन्च होने वाला है ग्लोबली, और मार्च मिड तक ये फोन इंडिया के अंदर भी लॉन्च होते हुए दिख सकता है हमें। इंडिया के अंदर Realme GT 3 नाम से आ सकता है ये फोन। कुछ हाइलाइटेड फीचर्स के बारे में बात करें तो इस फोन में हमें 6.74 इंचेस की 1.5K AMOLED डिस्प्ले मिलने वाला है, Snapdragon 8 Plus Gen 1 चिपसेट होने वाला है, साथ में ही 4600 mAh की बैटरी होगी, और उसी को चार्ज करने के लिए 240W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया जाएगा, और यही इस फोन का बिगेस्ट हाइलाइटिंग फीचर होने वाला है। प्राइसिंग समवेयर 40,000 के आसपास हो सकता है। OnePlus के बारे में बात करें तो OnePlus Nord 3 लॉन्च हो सकता है जल्द ही, इसके भी लीक्स वगैरह आना शुरू हो गया है। इस फोन में हमें MediaTek Dimensity 8200 वाला 5G चिपसेट मिलेगा, और 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप भी होगा, और क्योंकि Nord सीरीज का फोन है तो प्राइस वही 30,000 के आसपास रहेगा।
वैसे लावा भी अपना एक 5G फोन लॉन्च करने वाला है मार्च के महीने में। जी हाँ, इस फोन का नाम होने वाला है लावा अग्नि 2। इस फोन में हमें MediaTek Dimensity 1080 वाला 5G चिपसेट मिलेगा, 120 हर्ट्ज वाला IPS डिस्प्ले होगा, 5000 mAh की बैटरी और 33 वाट वाला फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट होगा। प्राइसिंग 20,000 के आसपास रहेगा। Redmi के बारे में बात करें तो Redmi अपना Note 12 सीरीज में एक फोन लॉन्च कर सकते हैं, Redmi Note 12 4G। इस फोन के भी स्पेसिफिकेशन ऑलरेडी लीक आउट हो गया है। इस फोन में MediaTek Helio G99 वाला 4G चिपसेट होगा, 5000 mAh की बैटरी, 33 वाट तक की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट और 50 मेगापिक्सल का ड्यूल रियर कैमरा। प्राइसिंग 15,000 से 16,000 के बीच में होगा। चलिए सैमसंग के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो सैमसंग अपना 2 से 3 स्मार्टफोन लॉन्च कर सकता है मार्च के महीने में। 2 स्मार्टफोन ए सीरीज में होगा, जिसमें से पहला होगा गैलेक्सी A34 5G और दूसरा होगा गैलेक्सी A54 5G। A34 5G में 120 हर्ट्ज वाला AMOLED डिस्प्ले मिलेगा, जो कि वाटर ड्रॉपलेट्स वाला डिस्प्ले होगा। MediaTek Dimensity 1080 वाला 5G चिपसेट देखने को मिल सकता है, 5000 mAh की बैटरी और 25 वाट तक की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट। प्राइसिंग 30,000 के आसपास होने वाला है। तो ऑब्वियसली ए सीरीज का फोन है तो ओवर प्राइस तो होंगे ही। बाय द वे, गैलेक्सी A54 5G के बारे में बात करें तो इस फोन में एक्जिनोस का न्यू चिपसेट लगा होगा, 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा होगा, बाकी वही 5000 mAh की बैटरी और 25 वाट तक की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट होगा। प्राइसिंग इसकी 35,000 से 40,000 के बीच में होने वाली है। तो दोस्तों, यही कुछ स्मार्टफोन मार्च के महीने में लॉन्च होते हुए दिखने वाला है आपको। इन्हीं में से कुछ ऐसे स्मार्टफोन भी होंगे जो कि अप्रैल के महीने तक लॉन्च होगा। सो दैट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी के वीडियो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके।